तो चलिए दोस्तों, भारत जीत चुका है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों, क्योंकि हमें साथ में ही लुत्फ उठाना है मुकाबले का और अपनी टीम इंडिया को बिल्कुल फाइनल तक पहुंचाना है। विश्व कप हमारा होना चाहिए दोस्तों। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो भारत जीत चुका है 6 विकेट से यह मुकाबला। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पीएन वैभव फैक्ट, नितिन शर्मा, सभी मित्र फारूक भाई, जितने भी मित्र शुरू से लगे हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो 1000 लाइक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मित्रों का। तो चलिए बजाते हैं आपकी पसंदीदा धुन। तो 1000 से ज्यादा लाइक्स देने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। और भारत का अगला मुकाबला कब है मैं फटाफट आपको बता देता हूं। तो चलिए, भारत का जो अगला मुकाबला है वह हम अब देखेंगे शनिवार के दिन। तो 18 फरवरी शनिवार के दिन शाम 6:30 बजे से भारत और इंग्लैंड भिड़ने वाली है। पहला मुकाबला पाकिस्तान को हराया भारतीय महिला टीम ने, दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया भारतीय महिला टीम ने। अब बारी है इंग्लैंड और आयरलैंड की और हमारी शेरनिया देखना है क्या यह वर्ल्ड कप जीत पाती है या नहीं। अंडर 19 वर्ल्ड कप तो जरूर जीती थी भारतीय महिला टीम, अब बारी है इस वर्ल्ड कप को जीतने की। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब्बार अंसारी भाई, पिंटू कुमार यादव जी, सबका शुक्रिया लगातार बने रहने के लिए। आप लोगों का दिल से धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ पीएन वैभव फैक्ट, प्रियांशु कुवत, नितिन शर्मा, अंकित देव, फयाज पटेल, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, अब समय हो गया है विदा होने का। आप लोगों से बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मिलने का मौका मिलता है। हालांकि इस मैच पे कमेंट्री नहीं हो पा रही, उसके लिए खेद है, पर दोस्तों टेस्ट मुकाबले पे आपको कमेंट्री सुनने को मिलेगी। और जो दूसरा टेस्ट मैच है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, वह ठीक एक दिन के बाद यानी कि 17 तारीख को ही खेला जाएगा और वह मुकाबला भी काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। दिल्ली में वह मुकाबला होगा और जेटली स्टेडियम पे। अब देखना है हमारे भारत के पुरुष वर्ग में के खिलाड़ी क्या एक और जीत दर्ज करा पाने में कामयाब हो पाते हैं, यानी WTC के फाइनल पे पहुंचना है और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से हरा देना है। 1-0 से भारत टेस्ट मुकाबले पे बढ़त बना करके बारी है दूसरे मुकाबले की, जो कि परसों यानी कि 9:30 बजे से होगा और तीसरे सत्र का खेल हम लोग साथ में मिल करके देखेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपके साथ अब अगले मुकाबले पे। और सभी मित्रों को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपना प्यार इस चैनल को दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपके साथ अगले मुकाबले पे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत ने यह मुकाबला जीत लिया है और कुछ लोग कह रहे हैं स्कोर बोर्ड दिखाने, तो चलिए स्कोर बोर्ड भी एक बार मैं दिखा ही देता हूँ। भारतीय महिला टीम ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया है और यह मुकाबला 18.1 ओवर पर ही भारतीय महिला टीम ने जीत लिया है। वेस्टइंडीज़ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों पे 118 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। जवाब पे भारतीय टीम ने 18.1 ओवर पे ही यह मुकाबला जीत लिया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं भारत की बल्लेबाजी कैसी रही। तो भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने 28 रन, स्मृति मांदना 10 रन, जेमिमा रोड्रिगस 1 रन ही बना पाई, हरमनप्रीत कौर 33 और ऋचा घोष क्या शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज, जिन्होंने 44 रन नाबाद बनाए 32 गेंदों पे और अपनी इस पारी पे 5 चौका लगाया। देविका वैद्या को कोई रन बनाने का मौका नहीं मिला और इस प्रकार से भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया है। तो काफी शानदार मुकाबला रहा दोस्तों। मिलेंगे आपके साथ अब परसों, जो कि मुकाबला होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मुकाबला। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लव यू एवरीवन। गुड नाइट।